ओम अज्ञानतिमिरन्धस्याज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा। तो हम चर्चा कर रहे थे पिछली कथा में, नारद जी इस कथा के बारे में जो उन्होंने आगे वर्णन किया था, तो उन्होंने बताया था कि राजा मलयध्वज ने अपनी पत्नी के द्वारा 7 पुत्रों की और 1 पुत्री की प्राप्ति की थी। 7 पुत्रों के द्वारा उन्होंने हजारों हजारों संतानें जो है और उनकी संतानें इस प्रकार से प्राप्त की, और इन संतानों के द्वारा उन्होंने जो है पूरे ग्रह को, पूरी पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान की। कितने समय तक? एक मनु के पूरे समय तक, जिसे मनवंतर कहते हैं। फिर नारद जी ने ये भी बताया था कि अपनी पुत्री के द्वारा, तो उनकी पुत्री के बारे में हमने पहले भी वर्णन किया था, भक्ति लता उनकी पुत्री थी, और उनकी आंखें हमेशा जो श्याम वर्ण की थी, हमेशा भगवान के ऊपर टिकी रहती थी। तो इस पुत्री का विवाह उन्होंने अगस्त्य मुनि के साथ में किया, और उनके द्वारा, इस पुत्री के द्वारा उनको एक संतान की प्राप्ति हुई, जिसका नाम वो कहते हैं दृढ़ा अच्युता। और दृढ़ा अच्युता के द्वारा उनको भी एक संतान की प्राप्ति हुई, जिसका नाम था इदमवाहा। तो ये हुआ। इसके बारे में नारद जी क्या बताते हैं? तो इसके बारे में बताते हैं कि ये जो उनकी पुत्री थी, जिसके बारे में हमने वर्णन किया था कि अत्यंत सुंदर थी और हमेशा उसका मन भगवान कृष्ण के ऊपर रहता था, उसकी आंखें हमेशा भगवान के रूप के ऊपर लगी रहती थी, उसकी आंखें भी श्याम वर्ण की थी, तो मतलब भक्ति में दृढ़ थी। इसको भक्ति लता कहते हैं। ये अगस्त्य मुनि कौन है? नारद जी कहते हैं अगस्त्य का मतलब होता है इंद्रियां, मुनि का मतलब होता है मन। ये जो शब्द मुनि आया है, ये शब्द मन से ही आया है। जो अपने मन को अनेकों प्रकार से विचलित कर सकता है, उसे मुनि कहते हैं। वन हु कैन एजिटेट हिज माइंड इन वेराइटीज ऑफ फॉर्म, ही इज कॉल्ड अ मुनि, उसको मुनि कहते हैं। तो मुनि का मतलब है मन, और अगस्त्य का मतलब है इंद्रियां। मतलब यहां पर क्या बताना चाहते हैं नारद जी? कि इंद्रियां मन के ऊपर आधारित होती है, मन से आत्मनिर्भर नहीं है, इंद्रियां मन के ऊपर निर्भर है। माइंड के द्वारा सेंसेस कंट्रोल्ड होती है। अगर मेरा मन कहे मेरी आंखों को कि भाई देख उधर सिनेमा का पोस्टर लगा है, तो मेरा मन कहता है और फिर मैं उधर देखता हूँ। आजकल उल्टा हो गया है, आजकल हम अपनी इंद्रियों से देखते हैं और बाद में मन उसकी तरफ खींचा जाता है। अन्यथा मन जैसे मैनेजर होता है, मैनेजर को चाहिए कि वो वर्कर्स के ऊपर नियंत्रण रखे, वही मैनेजर का मतलब है। तो मन मैनेजर है
और इंद्रियां वर्कर हैं। तो मन के द्वारा इंद्रियों का संचालन करना चाहिए। भगवद गीता में भी ये बताया है, कूर्मणा अंगानी सर्वसाह, हमें अपनी इंद्रियों का प्रयोग कैसे करना चाहिए मन के द्वारा। जैसे कूर्मा होता है, कूर्मा का मतलब होता है कछुआ, टॉर्टाइस। तो जब कछुए को कुछ डर लगता है, उसको लगता है कि कहीं पर संकट है, तो वो अपनी इंद्रियों को अंदर खींच लेता है। केवल जब उसको चलना होता है तो अपनी इंद्रियों को बाहर लेकर के आता है, चलता है। जब वो पानी में होता है, जब उसको तैरना है, तब अपने अंगों को बाहर लेकर के आता है और उसके द्वारा तैरता है। जब संकट होता है अंदर सिकोड़ लेता है। तो मन के द्वारा इसी प्रकार से इंद्रियों को हमें काबू में रखना चाहिए। जब जरूरत हो मात्र हमें इंद्रियों का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इंद्रियां भगवान ने दी हैं तो इसका हम लोग जो है जैसा मन चाहे वैसा प्रयोग करें, इधर ये लगा है वो देखो ये देखो और सभी प्रकार का कचरा हमारे मन के अंदर में भरें। इसी प्रकार से कानों के द्वारा सभी प्रकार के भौतिक शब्दों को सुन करके हम कचरा भरते हैं। इसका प्रयोग हमें कछुए की भांति करना चाहिए, जब चाहिए तभी प्रयोग करना चाहिए, अन्यथा इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण बताया है। नारद जी कह रहे हैं अगस्त्य मुनि, तो जब मन दृढ़ता पूर्वक इंद्रियों को काबू में करके जब भक्ति लता का संग करता है, हमने देखा ना अगस्त्य मुनि ने विवाह किया मलयध्वज की पुत्री जो भक्ति लता की प्रतीक है उनके साथ में, और तब उनको क्या प्राप्ति हुई, उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम बताया है दृढ़च्युता। तो जब मन इंद्रियों को कंट्रोल में करके भक्ति करता है तब मन स्थिर हो सकता है, अन्यथा मन कंट्रोल में आने वाला नहीं है। ये बड़ा महत्वपूर्ण अर्थ नारद जी समझाते हैं। केवल भगवान की भक्ति मात्र के द्वारा मन नियंत्रण में आ सकता है, अन्यथा कोई चांस नहीं है। बड़े बड़े योगी भी हम लोग देखते हैं, भागवत में पुराणों में उनके बारे में बताया है कि सौभर्य मुनि पानी के नीचे जाकर के भी उन्होंने प्रयास किया ध्यान लगाने का, लेकिन उनका भी ध्यान भंग हो गया। विश्वामित्र मुनि ने भी प्रयास किया, लेकिन भगवान की अगर भक्ति में हम मन लगाते हैं तो मन जो चंचल है वो स्थिर हो जाता है। और उसके द्वारा जो उनके पुत्र की जो प्राप्ति होती है वो हम देख सकते हैं। वो क्या पुत्र की प्राप्ति है, दृढ़ अच्युता, मतलब भगवान में हमारा विश्वास बिल्कुल दृढ़ हो जाएगा। व्यक्ति भक्ति के मार्ग से नहीं गिरेगा, और अगर वो गिरता भी है तो भगवान कहते हैं कि भगवान हमेशा अपने भक्त की सुरक्षा करते हैं। अर्जुन से भगवान भगवद गीता में क्या कहते हैं, कौन्तेया प्रतिजानिहि नमे भक्त प्रणश्यति, कौन्तेया सारे संसार से कह दो मेरे भक्त का पतन कभी नहीं होगा। भगवान ने ये नहीं कहा सारे संसार से कह दो ज्ञानी का पतन नहीं होगा, योगी का पतन नहीं होगा, कर्मी का पतन नहीं होगा। भगवान कह रहे कौन्तेया प्रतिजानिहि नमे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता है। और भगवान ने भगवद गीता में ये भी बताया, मेरे को समझने के लिए ज्ञान योग और कर्म के द्वारा मुझे नहीं समझा जा सकता है। यावन यस चास्मि तत्वतः, तत्व में समझने के लिए भगवान कहते हैं भक्त्या माम अभिजानाति, केवल भक्ति के द्वारा मुझे सही प्रकार से समझा जा सकता है।
तो ये हमें समझना है भक्ति का मतलब क्या होता है। तो नारद जी के अनुसार ये जो अगस्त्य मुनि है, अगस्त्य मुनि का मतलब है मन, इंद्रियां, और जब वो मलयध्वज की पुत्री के साथ में विवाह कर लेते हैं, मतलब भक्ति को जब वो अपना लेते हैं, तब मन स्थिर हो जाता है। और उस स्थिर मन के द्वारा जो हमें फल की प्राप्ति होती है, दृढ़ा अच्युता, भगवान की निष्ठा के साथ में भक्ति, दृढ़ा अच्युता, जो पुत्र की उन्हें प्राप्ति हुई उसका नाम क्या था, दृढ़ा अच्युता। और उस पुत्र के द्वारा उन्हें जो पुत्र की प्राप्ति हुई उसका नाम क्या था, इद्मवाहा। इद्मवाहा का मतलब नारद जी समझाते हैं, इद्मवाहा का मतलब होता है जो व्यक्ति अग्नि में, जो यज्ञ की जो अग्नि होती है उसको जलाने के लिए जो ईंधन लेकर के जाता है गुरु की सेवा करने के लिए, उसको इद्मवाहा कहते हैं। मतलब अगर हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं तब हमें उस प्रकार की संतान की प्राप्ति हो सकती है जो कृष्ण भावना मृत में रुचि रखेंगे, अन्यथा इद्मवाह जैसे पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। तो मन जब हम भगवान की भक्ति में लगाएंगे तो हमारे जो फल की प्राप्ति होगी वो क्या होगी, दृढ़ अच्युता, मतलब बड़ी ही निष्ठा के साथ हम भगवान की भक्ति में लग पाएंगे। और अगर इस प्रकार से हम भगवान की भक्ति में लगते हैं तो तब हमें जो है इस प्रकार की संतान की प्राप्ति हो सकती है जो अपने, यहाँ पर हम देख रहे हैं इद्मवाहा का मतलब नारद जी ने जो बताया है, जो अपने गुरु की सेवा के लिए लकड़ियाँ लेकर के आता है यज्ञ में जलाने के लिए। तो मतलब आध्यात्मिकता में हम प्रगति कर पाएंगे और हमारी संतानें भी कृष्ण भावनामृत में भावित होंगी, वो भी उस रास्ते पर चल सकेंगी। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण अर्थ जो है इस विषय में नारद जी बताते हैं। आगे उन्होंने ये कहा था कि जब उन्हें इस प्रकार से संतानों की प्राप्ति हो गई, बेटी की भी शादी कर दी, बेटों के द्वारा भी उन्होंने जो है हजारों हजारों संतानों की प्राप्ति हुई, तब उन्होंने क्या किया, अपने सारे के सारे राज्य को विभाजित कर दिया, अपनी इन संतानों को उनकी संतानों को दे दिया। और विभाजित करने के बाद में उन्होंने जो है रिटायरमेंट ले लिया। अब इस जिम्मेदारी से उन्होंने जो है अपना रिटायरमेंट ले लिया, वानप्रस्थ ले लिया। तो वानप्रस्थ लेकर के वो कौन से स्थान पर, उन्होंने कहा था कुलाचल, तो कुलाचल की तरफ उन्होंने प्रस्थान किया था। तो इसके बारे में नारद जी क्या बताते हैं, तो नारद जी कहते हैं, तो उन्होंने बताया था कि इसका मतलब क्या है, मलयध्वज का मतलब क्या है, भगवान का महान भक्त, जिसे उत्तम अधिकारी महाभागवत भक्त कहते हैं। तो महाभागवत भक्त जो हैं वो क्या करते हैं, जैसे श्रीला प्रभुपाद जी ने कृष्णा भावनामृत का प्रचार किया, अपना सारा समय उन्होंने अनेकों अनेकों शिष्यों को कृष्णा भावनामृत में भावित किया, उनको मार्गदर्शन दिखाया। तो ये हुआ संतान की प्राप्ति के बराबर। और जब उनकी संतान बड़ी हो गई, जब संतान बड़ी हो गई तो राजा मलयध्वज ने क्या किया, राजा मलयध्वज ने तब वानप्रस्थ ले लिया और भगवान की एकाग्र भक्ति करने के लिए कुलाचल चले गए। तो नारद जी कहते हैं कि इसी प्रकार से
जब ये महान उत्तम अधिकारी महाभागवत भक्त अपने शिष्यों को ये जिम्मेदारी सौंप देते हैं कि कृष्ण भावनामृत का वो प्रचार करें, तब जाकर के ये महाभागवत भक्त जो है निर्जन भजन में लग सकते हैं, तब जाकर के वो निर्जन भक्ति करते हैं। मतलब जब प्रमाणिक गुरु, उन्होंने अनेकों प्रकार के प्रयासों के द्वारा अनेकों शिष्य बनाए हैं और जिनके द्वारा वो कृष्ण भावनामृत का प्रचार कर रहे हैं, तो जैसे राजा मलयध्वज ने अपने सारे राज्य को बांट दिया, विभाजित कर दिया अपने पुत्रों में, अपनी संतानों में, इसी प्रकार से प्रमाणिक गुरु ये महाभागवत भक्त जो है ये अपना जो कार्य करते हैं कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने का, ये कार्य विभाजित कर देते हैं अपनी संतानों में। उनकी संतान कौन है? गुरु की संतान कौन है? उनके शिष्य हैं। उनकी शिष्यों में वो विभाजित कर देते हैं। यही करना चाहिए। पूरे देश का हम जो है विभाजन इस प्रकार से कर सकते हैं। प्रमाणिक गुरु के शिष्यों को हमें अलग अलग जगह सौंप देनी चाहिए कि तुम यहाँ पर जाकर के प्रचार करो, तुम इधर प्रचार करो। तो श्रील प्रभुपाद जी ने भी यही किया। अपने अनेकों शिष्यों को, अनेकों जो हम लोग देखते हैं पूरे विश्व के अंदर में कृष्णा भावनामृत के अलग अलग केंद्र हैं, तो वहाँ पर ये जिम्मेदारी अब उन्होंने अपने शिष्यों को ये सौंप दी है कि उनके शिष्यों के द्वारा अब लोग जो है कृष्णा भावनामृत बन सकें। तो तब जा कर के प्रमाणिक गुरु जो है निर्जन भक्ति करने के लिए वो रिटायर हो सकते हैं इस प्रकार के कार्य से, केवल भागवत पढ़ करके और भागवत का जो प्रभुपाद जी जो अनुवाद करते थे उस कार्य के लिए, और भगवान में एकाग्र होकर के अपना मन लगाने के लिए। ये कार्य इस प्रकार से निर्जन भजन जो है वो कनिष्ठा अधिकारियों के लिए नहीं है, ये महाभागवत भक्तों के लिए मात्र है। तो इस विषय में भक्ति सिद्धांता सरस्वती ठाकुर एक बड़ा महत्वपूर्ण अर्थ समझाते हैं, जिसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्ण।